हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिल्क केक की रेसिपी। इसको हम ब्रेड से बना के रेडी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसका बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए, अंदर का टेक्सचर देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनके हमारा रेडी हुआ है। एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। जो घर में सामग्री रहती है उसी से हम ये ब्रेड का मिल्क केक बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने कैसे बनाया। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी फेस्टिवल बना सकते हो, रक्षाबंधन, दिवाली, किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हो। तो यहाँ मैंने देखिए आटा ब्रेड ली है, ये आटे से बनी हुई है, ये साथ में हेल्दी भी होती है तो इसी का बनाएंगे। तो ये मैंने 10-11 ब्रेड लिए है। तो मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम ये ब्रेड तोड़ तोड़ के डाल देंगे क्योंकि ब्रेड का हम पाउडर बनाना है। तो बहुत ही आसानी इसका पाउडर बन जाता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसी मैं नई नई सिंपल रेसिपी आपके लिए ला सकूं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और जो सामने घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर कर ली करें ताकि मेरा हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुँच सके। तो ये देखिए, बातों बातों मैंने इसका पाउडर बना लिया है, एकदम ही ये देखिए दानेदार बना है। इसी तरह सभी ब्रेड का हम पाउडर बना लेंगे। इसको मैं निकाल लेती हूँ, बाकी के बची हुई ब्रेड का भी हम पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, सभी ब्रेड का हमने पाउडर बना लिया है। और अभी हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और इसको ब्रेड को इसमें डाल देंगे और मीडियम लो फ्लेम करके गैस को, और इसको अच्छे से थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ये 2-3 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाता है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो। और जब ये रोस्ट होगी तो ये इसकी मात्रा भी कम हो जाएगी, थोड़ी सी ये हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें इसको रोस्ट कर लेना है, सेक लेना है। इसमें कुछ भी नहीं डालना, घी दूध कुछ भी नहीं डालना इस टाइम। तो ये देखिए, मुझे 3 मिनट हो गए हैं और अच्छे से रोस्ट हो चुके, एकदम दानेदार ये बन गई है ये देखिए। और कलर इसका एकदम चेंज हो गया है और कम भी हो गई है। तो कलर हमें चेंज करना है इसका अच्छे से। तो इसको अब अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। 3 मिनट लगे हैं हम इसको रोस्ट करते हुए। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप अगर ने वीडियो देख लिया तो आपका ये ब्रेड का मिल्क केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप बिल्कुल स्किप ना करें अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो। तो अभी इसको हम साइड में कर देते हैं। ये हमारा अच्छे से इसको ब्रेड का पाउडर हमने रोस्ट कर लिया है। अभी उसी कढ़ाई में हम ये मैंने 1 कप चीनी लिया है, ये इसमें थोड़ा मैं डाल दूँगी, थोड़ा बचा के रखूँगी। ये हम बाद में यूज़ करेंगे, कब यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। तो इसको हमें बाद में यूज़ करना है। ये आधा हमने चीनी इसमें डाल दिया है और इसको मीडियम लो फ्लेम करके लगातार इसको ऐसे ही चलाएंगे। इसमें कुछ पानी कुछ भी नहीं डालना है। जब ऐसे चलाते रहेंगे तो अपने आप ये मेल्ट हो जाएगी और अपने आप पानी छोड़ देगी। तो ये देखिए, धीरे धीरे गीली होने लगी है चीनी, तो अपने आप पानी छोड़ रही है। गैस को आपको मीडियम लो फ्लेम में रखना है। तो इसको भी टाइम नहीं लगता है, ये 2-3 मिनट में अच्छे से ये मेल्ट हो जाती है, घुल गई है चीनी। और इसका कलर आप देख सकते हो, हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, ये चीनी का ही कलर है। तो ये हमारी चीनी मेल्ट हो गई है और चीनी का घोल अच्छे से रेडी हो गया है। इसमें हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 कप दूध का डालेंगे। 1 कप दूध से हम ढेर सारी मिल्क केक बनाएंगे, तो आप देखते रहना। और दूध डालते ही देखिए ये चीनी ऊपर आ गई, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगातार ऐसे मिक्स करते हुए इसको इसमें दूध में मिला लेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये अच्छे से तो पत्थर जैसी बन गई है, मिक्स नहीं होगी, लेकिन हमने दूध डाला है तो एक बार ये हो गई है। लेकिन ऐसे इसको लगातार चलाते रहेंगे तो अपने आप दूध में मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी दूध में चीनी, और दूध का बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। तो ऐसे इसको थोड़ा चला लेंगे तो 1-1.5 मिनट में ये घुल जाती है, इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही कम बजट में घर की जो सामग्री होती है उसी से हम बना के इसको रेडी किया है। तो ये देखिए, दूध का एकदम कलर चेंज हो गया है और ये चीनी अच्छे से इसमें घुल भी चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम ये 2 छोटे चम्मच इसमें मिल्क पाउडर का लेंगे। इससे एकदम मावा जैसा टेस्ट आएगा क्योंकि हमने इसमें घी का भी यूज़ नहीं किया है। तो ये मिल्क पाउडर हमने इसमें डाल दिया है, मलाई का भी यूज़ नहीं किया है, तो ये सारी कमी को दूर करेगा। तो इसमें हमने 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मलाई का यूज़ कर सकते हो या 2 चम्मच घी भी डाल सकते हो,
लेकिन हमने यहाँ मिल्क पाउडर डाला है, मैंने बिना घी का ये बनाया है, तो इसको भी अच्छे से हमने घोल लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये आधा कप हम इसमें डाल देंगे ये नारियल का बुरादा, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नारियल का बुरादा अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी इस टाइम ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, नारियल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए नारियल को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जो ब्रेड का हमने पाउडर रोस्ट करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। फ्रेंड इस तरह बनाओगे आप तो यकीन भी नहीं होगा कि आपने ब्रेड से बनाया, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है ये मिठाई। तो अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अगर बाय चांस आपका इसमें ये सूखा सूखा लगे तो कम पड़ जाए तो आप इसमें और दूध मिला सकते हो, लेकिन हमारा इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा मैं इसको मेल्ट कर लेती हूँ, फिर इसमें एक चीज़ और डालेंगे जिससे एकदम ये डो जैसा बन जाएगा। अभी आपको ये टाइट लग रहा है तो इसमें हमें एक चीज़ और डालनी है। तो ये देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, ऐसे लगातार अच्छे से मिक्स कर देना है। गैस को आपको मीडियम लो फ्लेम में रखना, हाई फ्लेम नहीं करना है। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है, अच्छे से दूध हमारा मिक्स हो गया है। अगर बाय चांस आपका दूध थोड़ा कम रहेगा तो आप ऊपर से और डाल सकते हो। अभी जो बची हुई चीनी थी वो इसमें डाल देंगे। जब ये चीनी मेल्ट होगी ना तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये डो बन के रेडी होगा। तो ये इसको मेल्ट होने तक हम इसको ऐसे लगातार चलाते रहेंगे, जैसे जैसे चीनी गर्म होगी ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए डो भी हमारा अच्छे से गीला हो गया है वापस। तो इसको थोड़ा और पका लेंगे, 1 मिनट इसको और पकाएंगे, और ऐसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। तो इसमें कोई भी झंझट नहीं है, इसमें मैंने इलायची पाउडर नहीं डाला है। अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर अच्छा लगता है तो इस टाइम आप डाल सकते हो, मैंने इसमें अलग से कुछ भी नहीं डाला है। फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है मिठाई बनी थी, और जब बनाते ही पूरी चट हो गई, किसी ने छोड़ा नहीं, इतनी ज़्यादा ही टेस्टी बनी है। तो ये देखिए अच्छे से हमारा ये डो बर्फी के लिए या मिठाई के लिए रेडी हो चुका है। तो ये मैंने ट्रे लिया, इसमें मैंने ऐसे ही नॉर्मल पेपर पे घी लगा के इसको ऐसे लगा दिया है। बटर पेपर का ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास बटर पेपर हो तब भी हम इसको सेट करेंगे, नॉर्मल पेपर होता है, इस पर थोड़ा घी लगा देने से ये इसमें चिपकती नहीं है। और इसको अच्छे से फैला देंगे मिश्रण को। आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि आपने ब्रेड की मिठाई बनाई है, ब्रेड का मिल्क केक बनाया है। 1 कप दूध से हम ढेर सारा मिल्क केक बना के रेडी किए हैं। तो अच्छे से हमें इसको सेट कर देना, बहुत ही अच्छे से ये सेट हुआ है। डो हमारा एकदम स्पंजी टाइप का बना है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ये। और ये देखिए अच्छे से इसको फैला दिए हैं। अभी हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको कट करके दिखाऊंगी, तब तक इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, ये ठंडा हो चुका है। आपको 20 मिनट भी लग सकते हैं, या कम मिनट में भी ठंडा हो सकता है। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स ये निकल जाता है। थोड़ा सा थपथपाएंगे और ये देखिए अच्छे से निकल चुका है। ये पेपर हम हटा देंगे, बहुत ही झटपट तरीके से ये 7-8 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता और बहुत ही अच्छे से सेट भी हो जाता है। जिसको खाना नहीं भी बनाना आता वो भी इस मिठाई को आसानी से बना सकता है। आपको मैं कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से ये कट हो रहा है, बिल्कुल भी ये नहीं चिपक रहा है। अच्छे से कट करके आप आइडिया लगा सकते हो कि फ्रेंड्स कितनी अच्छी है हमारी मिल्क केक बन के रेडी हुआ है। तो मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ, मैंने सिंपल तरीके से कट किया है। आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, आसानी से इसमें डिज़ाइन आ जाएगा। और ये देखिए इसका टेक्सचर दिखाती हूँ मैं, ये देखिए एकदम जो मार्केट से हम लेके आते हैं उससे भी कई गुना ये टेस्टी बनी है। तो आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम इसको ट्रे में लगा लेते हैं। अभी इस पे थोड़ा सा मैं ये पिस्ता डाल रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हो या ऐसे सिंपल भी रख सकते हो। थोड़ा सा ये डाल देती हूँ और ये हमारा ब्रेड का मिल्क केक बन के रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मस्त बना है और घर की सामग्री से हमारा बन के रेडी हुआ। तो आप भी
कोई इस रक्षाबंधन पे, दिवाली पे या कोई भी फेस्टिवल पे आप इसको बना सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी ब्रेड मिल्क केक की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।